हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एस्ट क्रिएटिविटी पे। और आज मैं स्टिचिंग बता रही हूँ सिंपल कुर्ती की। तो सबसे पहले मैं गला बनाऊँगी। तो ये मेरे पेपर पे स्टिक है और इसको मैं, ये लंबी ही कटी हुई है तो इसको मैं इस तरह से चूना डाल के और गोलाई में इसको गले पे लगा लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई करके और गला तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर अटैच कर देंगे हम कुर्ती के ऊपर। तो हम इसको नाप के देख लेंगे और हम इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इसके ऊपर इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से बराबर। और ये मेरा गला है वो स्टिच हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये भी कट हो गया और अब इसके बीच बीच में मैं ये छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी ताकि हमारा गला है वो फोल्ड करने में आसान हो। इस तरह से सिलाई छोड़ के कट लगाना है, सिलाई पे कट नहीं लगाने है ये। तो इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लिए। अब एक इस तरह से गला करके इसके ऊपर एक सिलाई और कर लेंगे इस तरह से, इसके ऊपर एक सिलाई और कर देंगे और वह मेरी सिलाई हो गई है। और अभी मैं दोनों तरफ से सिलाई कर ली है मैंने, क्योंकि दोनों तरफ से गोल ही गला था तो दोनों तरफ से मैंने गला है वो अटैच कर दिया है। और ये ऊपर का शोल्डर है वो भी मैंने ज्वाइंट कर दिया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जॉइंट करना है, एक गले पे लेके दूसरा गला इस तरह से जॉइंट करना है और खुलेगा तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से। और अभी मैं ये पाइपिंग तैयार कर रही हूँ धागा लगा के अंदर। ये मेरी बाजू के आगे लगानी है पाइपिंग। तो इस तरह से मैं ये पाइपिंग तैयार कर लूँगी, इसमें धागा लगाया मैंने। ये गले में भी लगा सकते हो लेकिन मैंने गले में नहीं लगाया, सिर्फ मैं बाजू पे ही लगाऊंगी ये। तो ये मेरी पाइपिंग तैयार हो गई है, इसके मैं एक साइड में और सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं एक सिलाई और लगा लूँगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कुर्ती बताई, कुर्ती की स्टिचिंग बताई है आपको। ये मेरी पूरी सिलाई हो गई है इसके ऊपर एक, और अभी मैं इस तरह से बाजू पर अटैच कर लूँगी इसको। ये इस तरह से मैंने दोनों बाजुओं पर अटैच कर ली है इस तरह से। और अभी एक सिलाई मैंने इस तरफ से फोल्ड करके ऐसे लगानी है इस तरह से। तो मैंने दोनों बाजुओं पे एक एक सिलाई लगा दी है ऊपर इस तरह से। ये देखिए मेरी इस तरह से मेरी पाइपिंग है वो निकल के आई है दोनों बाजुओं पे। और अभी मैं ज्वाइंट करूँगी बाजू। तो जहाँ पे बाजू के जो कट है बीच वाला वो हमें शोल्डर वाला जो जॉइंट है उसके ऊपर लेना है इस तरह से। बीच में से ज्वाइंट कर लोगे आप तो आसानी होगी आपके लिए। जो शोल्डर वाला कट और बाजू वाला कट है ये दोनों एक ही जगह मिलाना है और फिर सिलाई कर देनी है इस तरह से। और एक सिलाई और कर लूँगी मैं इसके ऊपर, डबल डबल सिलाई करूँगी इस तरह से।
सिलाई करते टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आपका जो सिलाई वाला मार्जिन है वो बराबर आना चाहिए, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो, वरना आपकी बाजू है वो अच्छे से सेट नहीं होगी, सफाई नहीं आएगी बाजू में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मार्जिन है वो बराबर आए। और इस तरह से मैंने एक बाजू ज्वाइन कर ली है और अभी इधर वाली भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी मैं। और ये मेरे बाजू दोनों है वो जॉइंट हो गई है। और अब मैं लगाऊंगी फिटिंग वाला टांका। तो यहाँ से मेरी 5 इंची बाजू है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से फिटिंग कर लूँगी। ये मेरी सीधी फिटिंग है, वरना आप नीचे से फिटिंग करके फिर भी बाजू जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने बाजू पहले जोड़ के सीधी फिटिंग की है ताकि कभी टाइट हो तो खोलने में आसानी हो। इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन जो छोड़ा था वहाँ एक कट लगाया हुआ है, वहाँ से मैं फिटिंग कर रही हूँ। आप एक बार फिटिंग करते टाइम पे नाप लीजिए दोबारा से इस तरह से। और यहाँ से हम पक्का कर लेंगे ताकि नीचे से खुले ना। और इधर भी हम फिटिंग कर लेंगे, इस साइड में भी। तो ये दोनों साइड से मेरी फिटिंग हो गई है। और अब मैं यहाँ पे जो नीचे की तरफ हमारे जो चांक होते हैं वहाँ पे मैं एक लगा रही हूँ। छोटा सा हम कपड़ा लगा लेंगे तो हमारी जो चांक होती है वहाँ से कुर्ता है वो फटता नहीं है। इस तरह से तो ये मैंने दोनों साइड में छोटा छोटा जो कपड़ा होता है एक छोटा सा वो लगा लिया इस तरह से, जहाँ पे चांक खुलती है हमारी यहाँ पर इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे इससे सूट है वो फटता नहीं है, वरना थोड़ा सा तांक खींचते ही हमारे यहाँ से सूट है वो फट जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक छोटा सा कपड़ा यहाँ पे लगा लीजिए इस तरह से। और अभी मैं जो फिटिंग वाला टांका है यहाँ पे एक सिलाई और लगा लूँगी पास में इस तरह से, पास पास में एक एक सिलाई, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा रही हूँ। इस तरह से। इस तरह से आप दोनों साइड में एक एक सिलाई और लगा लेंगे। और अभी मेरी ये नीचे से जो चांक है वहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, फिर मैं तुरपन का काम करूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लूँगी नीचे की तरफ और फिर तुरपन कर दूँगी। तुरपन का काम है वो हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो नीचे की तरफ चारों तरफ मैं ये सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, और हमारा कुर्ता है वो बन के तैयार हो जाएगा फिर इस तरह से। तो ये हमारा कुर्ता है वो बनकर तैयार हो गया। मैंने इसका तुरपन का काम है वो कर लिया है और प्रेस भी कर दिया है, ये देखो इस तरह से। और यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।